मन और बुद्धि के विकृत हो जाने पर समस्त जीवन ही विकृत हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवद गीता। भारतीय अध्यात्म दर्शन को जिन सांस्कृतिक थाती रूपी ग्रंथों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है उनमें श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवद गीता इन दो का नाम शिखर पर है। विशेष रूप से इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मनन निधिध्यासन का सर्वाधिक महत्व बताया गया है क्योंकि इसकी मूलभूत प्रेरणाएं व्यक्ति में ईश्वरीय सत्ता के सद्गुणों को जीवन में उतारने पर केंद्रित है। दूसरी ओर गीता को सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ सार माना गया है। वह यह बताया गया है कि व्यक्ति के नवनिर्माण के लिए दैनंदिन जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। धन और सत्ता जहां कहीं भी अधिक मात्रा में केंद्रित होंगे वहां उसका परिणाम दुखदायक होगा। शास्त्र ने अनीति सहने वाले को अनीति करने वाले की तरह ही पापी माना है। किसी काम को बिना विचारे न करें अविवेक आपत्तियों का महान कारण है। प्रलय काल की पवन से पर्वत तो एक बार भले ही विचलित हो जाए परंतु धीर पुरुष के मन का निश्चय कष्ट में भी विचलित नहीं होता। आशा सर्वोत्तम प्रकाश और निराशा घोर अंधकार है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु हैं। गीता कथा और उसका स्वरूप, 24 अवतार, दुर्गुणों से सर्वनाश, सद्गुणों के सत्परिणाम, यज्ञमय जीवन जिए, धर्मराष्ट्र के रक्षा के लिए प्राणदान।